दुआएं देती हूँ कि अल्लाह करे ना तुम लोग मरो ना तुम लोग जियो, तुम लोग जिंदा लाशें हो, तुम लोग मौत मांगो, तुम्हें मौत ना आए बगैर तुम लोग जिंदगी मांगो, तुम लोगों को जिंदगी ना मिले, तुम लोग जिंदा लाशें बनो, तुम लोगों की नस्लें तबाह हो, ये बदवाए अल्लाह करे जिस तरह शरीफ शहीद के बच्चे यतीम हुए, तुम सबके बच्चे यतीम हो जाए, फर्क हो जाए तुम लोगों का। वो हमारे हमारे हर हर घर में इस वक्त मैयत है, इस घर में इस वक्त पाकिस्तान का हर घर एक मैयत बना हुआ है। अल्लाह तुम लोगों को बर्बाद करे, जो जो सहूलतकार थे, जो जो साजिश में शामिल थे, खराब हो उनका, जो नामालूम है हमें मालूम है, हमें मालूम है और हमें नहीं रोक सकता ना ये वार्ड की वार्डिंग हमें रोक सकती है ना कोई हम थे, हम पर हम रहेंगे लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए। मेरी बदवा है जिस तरह मरियम नवाज ने हमारी नमक छिड़के है ना, तुझे माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तुम सबको माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह कले तुम लोग बर्बाद हो, तुम लोग जिंदा लाशें बन के तुम लोगों के जमीर में एक बात याद रखो, तुम लोगों का कसूर नहीं है, तुम लोगों के जमीर मर गए और जिनके जमीर मर जाए वो तो जिंदा लाशें होती है, वो बगैर तो कितना जुल्म करोगे। अल्लाह तुम लोगों को बर्बाद करेगा, अल्लाह तुम लोगों की नस्लों को बर्बाद करे, अल्लाह तुम सबको, मैं कहती हूँ तुम जो जो भी है जिसका पॉइंट बराबर पॉइंट नैनो परसेंट भी इसमें शामिल है ना, या अल्लाह पाक उसको मौत भी ना दी, उसे जिंदगी भी ना दी, उसे ऐसे इबरतनाक सजा दे कि दुनिया देखे और पूरी दुनिया में उसे संसार किया जाए, संसार किया जाए। मैडम एक बात बताइएगा कि जिसने इस मुल्क पर उसके लिए धरती तंग की और वो जिंदा किया और उसकी लाश आई, क्या कहती हैं आप, किसने धरती तंग की है, किसने धरती तंग की है? एवरीवन नोस, ये जो सफाइयां पेश कर रहे हैं, अगर मैं सची होंगी, मैं अगर सची होंगी ना, मैं यह हाँ करूंगी या ना करूंगी, हमेशा याद रखिएगा सफाइयां चोर पेश करते हैं, बेशक बिल्कुल सफाइयां चोर पेश करते हैं, बेशक। आज जिन तक घर का पता नहीं बताया क्योंकि इनकी भी जमीन तंग करेंगे, अब इनकी जमीन तंग होगी इंशाल्लाह। और मारने है ना, हमें घर में घुस के मारो, हमें मार दो, हम मर चुके और अच्छे शरीफ शहीद हुआ है, शहीद मौत जो होती है ना वो शहीद है, वो जिंदा है। उसने कल एक और नंगा कर दिया शहादत के बाद, बेशक एक और नंगा हो गया है। और पीटीवी पे जो लाइव आए हो ना, तुम लोग हो ही जाहिल, अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, भूसे जल चुके हैं तुम लोगों के, ये तुम लोग करना नहीं चाह रहे। और मैं सारे लिफाफों को बोलूंगी, खुदा का वास्ता है, तुम लोगों के घर में भी बच्चे हैं, याद रखना, नहीं बोलेंगे हम भी, खामोश हो जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। तकलीफ हुई, हमें तकलीफ हुई है जब नारे लगे फौज के खिलाफ, न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं है। हाँ सलीम साफी कहता कि मुझे लिफाफे ना कहो, तकलीफ हुई पश्तू, जो आसमा जहांगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फौज खिलाफ कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमें तकलीफ हुई, नारे लगे, सबको तकलीफ, क्योंकि सरहदों पे जो शहीद हो रहे हैं वो बेचारे क्या है, वो हमारे लिए है। एक दो चार पाँच की गंदगी की वजह से हमारी पूरी फौज को कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? हमारी फौज कमजोर नहीं है, मजबूर है वो भी। मैडम आपने कहा कि मजबूर नहीं है, आपने कहा कि लिफाफे, सलीम साफी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें लिफाफा कहा जाता है, ये 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 उसको मैं कहती हूँ वो 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 इंसानों में शुमार ही नहीं है, मैं सबको गटर बोलती हूँ, वो लिफाफे नहीं है, वो गटर है, वो गटर उगलते हैं, हिपोक्रेट्स हैं ये लोग सारे के सारे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अल्लाह उनका घर भी बर्बाद करे, ठीक है, जो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इस वक्त पब्लिक हमारे ऊपर ना है, अच्छी खासी लानते मरियम नवाज ने समेट ली थी कल, फैसे बॉर्डर ने अपनी तरफ कर गए, और सलीम साहबी हो या कोई भी हो, अल्लाह करे देखे सब आए, मैंने माना, लेकिन जो जो भी नकली तरीके से आया, जो जो भी दिखावे के लिए आया, अल्लाह करे वो अपने आने वाली नस्लों समेत तबाहो बर्बाद हो। और अरशद का खून हम कभी भी रायगा नहीं जाने देने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था अरशद शरीफ से, लेकिन मेरे घर में मातम है, हम मर चुके हैं, वो जिंदा है, हम मर चुके हैं,
और अब हम बेजमीर बन के न्यूट्रल होंगे, अब हम न्यूट्रल होंगे। शुक्रिया मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाकिस्तानी अवाम के साथ अल्लाह ताला इस मैं कहती हूँ जितनी भी बदवाए जिसने भी ये किया, अल्लाह ताला इस अवाम को दिखा के इस अवाम के साथ, इस पाकिस्तान के सच्चे आवाज के साथ किसने इतना जुर्म किया, किसने इतनी ज्यादती की है, किसने इस अवाम के साथ इतना जुल्म किया। उस माँ के साथ वो शहीद की बात थी जिसका ये बेटा था, अल्लाह ताला इसको उनको गर्क कर जिन्होंने ये जुल्म किया। और एक बाप मेरे को कुछ नहीं लगता था ये, और लेकिन मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ, अल्लाह ताला इसको बर्दोश्त में जगा दे। और हमारा एक ही मतलब है इस हुकूमत को चलता करे और निगरान हुकूमत आए और इस अवाम की आवाज़ जो बन रही है और उनका अवाम का आवाज़ सुने और इस अवाम को बैर बकरियों की तरह मत ले। और हम भी इंसान हैं, हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं सारे। और मैं आज सब अदारों को भी ये कहना चाह रही हूँ कि खुदा के लिए और जहाँ पे ये देखे प्राइम मिनिस्टर जो यूके की 2 महीने बाद रिटायर हो गए, उसने छोड़ दिया अपनी हुकूमत, इसके लिए अवाम की राय सुने, अवाम क्या चाहती है उसको सुने, खुदा के लिए सुने। ये बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादती हुई है और मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुई है। ये हर पाकिस्तानी माँ की आवाज है और ये जुल्म जो भी हुआ है ये अल्लाह ने अपने आंखों से दिखा, ये इतना बड़ा जुल्म है, इसका अजाला कोई पता नहीं कर सकता है। यार अब तू खुद उस बंदे को सजा दे जिसने इतना जुल्म किया। यार अब लाल मीन हम इंसान कुछ नहीं कर सकते है। इसके साथ जो जुल्म हुआ है, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ है, जो इस सच्चे और नडर लो एक साफी को जिसकी आवाज बंद की गई है। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रही थी हमारे ISI की और DGISPR की, और आज वो टाइम नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, आज वो यहाँ आते आवाम का दिल जीतते और उसके बाद दुनिया काफी दिन थे जो मर्जी करते। आज हम इसके साथ हैं, उस माँ के साथ हैं जिसके साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे। बढ़ता है तो मिट जाता है। दे दो भाई, लेडीज को रास्ता दे दो भाई।